नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेहा ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम पेन में जल्दी डिलीवरी कैसे हो। हर गर्भवती महिला के मन में ये ज़रूर रहता है कि उनकी डिलीवरी कैसे होगी, सी सेक्शन से होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। यदि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उन्हें कितना पेन सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हर महिला यही चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। वहीं वो इस बात से भी डर जाती है कि उन्हें कितना पेन सहन करना पड़ेगा और कितने टाइम तक उन्हें पेन होगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पूरा वीडियो देखिए आप लोग, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो हर गर्भवती महिला को काम आएगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच जरूर करें। कंसीव करने के बाद से ही महिला के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले तो वो चाहती है कि उनका बेबी एकदम हेल्दी हो, उनकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी हो, कोई भी इशू ना हो, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो वहीं वो दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, साथ ही कितना पेन होगा। और एक सवाल सबके मन में आता है कि उनकी डिलीवरी पेनलेस हो सकती है या नहीं, या कम पेन में जल्दी डिलीवरी कैसे हो, और उसके लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी कोई आम प्रोसीजर नहीं होता है। इस दौरान महिला को काफ़ी पेन से गुजरना पड़ता है और यह काफ़ी पेनफुल होता है। कभी कभी महिला को लेबर पेन में काफ़ी टाइम तक रहना पड़ सकता है, जैसे कि कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे 24 घंटे, उससे ज़्यादा या उससे कम आवर्स के लिए भी रहना पड़ता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है तो जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उन्हें बहुत ज़्यादा लेबर पेन नहीं होता है, साथ ही वो 1 से 2 घंटे में ही बेबी को जन्म दे देती है। तो क्या क्या ऐसे घरेलू उपाय करने चाहिए और क्या आपको अपने खान पान में ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे आपको कम पेन में जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा लेबर पेन में ना रहना पड़े। जहाँ कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा लेबर पेन से गुजरना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें 2 से 2.5 घंटे या 1 घंटे का ही लेबर पेन होता है और जल्दी से वो अपने बेबी को जन्म दे देती है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपना अच्छे से ख्याल रखती है, हर चीज़ का वो ध्यान रखती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से खाना है, उठना बैठना, हर चीज़ का ध्यान रखती है, उन्हें बहुत ज़्यादा लेबर पेन में नहीं रहना पड़ता, ना ही उनके डिलीवरी में और प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है। जब से महिला कंसीव करती है और प्रेग्नेंट होती है, उसी दिन से महिला को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना मेन होता है, खान पान का ध्यान रखना और शरीर में ताकत होना। साथ ही ताकत होने के साथ साथ शरीर में खून का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान खून काफ़ी बह जाता है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। बॉडी में खून के होने के साथ साथ आपकी बॉडी में ताकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही आपकी हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस दौरान। प्रेगनेंसी में अपना खूब अच्छे से यदि आप ख्याल रखती है, अच्छे से अपने डाइट में हर चीज़ को शामिल करती है, तो इससे आपको हीमोग्लोबिन बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है, साथ ही आपके शरीर में एक अलग एनर्जी भी आती है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करती है। आपका शरीर एकदम से तैयार हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करती हैं। तो आपको अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर ऐड करने हैं, जिसमें आपको बादाम को ज़रूर ऐड करना है, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर यूज करनी है। इनसे आपकी हड्डियां तो मजबूत होंगी, साथ ही आपके हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ेगा, आपके मांसपेशियों का तनाव कम होगा, साथ ही आपको एनर्जी भी मिलेगी जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का यूज करते हैं तो ये भी एक कारण बन सकता है आपके लेबर पेन के टाइम को बढ़ाने का। यदि प्रेगनेंसी का आपका 8वां और 9वां महीना चल रहा है तो आपको ठंडी चीज़ें खानी एकदम बंद करनी होंगी, चाहे गर्मियों के दिन हो या सर्दियों के दिन हो। आपको इस दौरान बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आपको पानी भी एकदम ठंडा नहीं लेना चाहिए। आप गर्म पानी ले सकते हैं, गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, इससे आपके मांसपेशियों का तनाव भी कम होगा और आपको कम पेन में जल्दी डिलीवरी हो जाएगी।
साथ ही आप और भी गर्म चीज़ें ले सकती है, जैसे आप दूध ले सकती है, दूध में शहद डाल के आप उसका यूज कर सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो गर्म होती है, आप चाय और कॉफ़ी को साइड में रख के और सारी गर्म चीज़ें पी सकती है, जिससे कि आपकी डिलीवरी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। खान का ध्यान रखने के साथ साथ आपको मॉर्निंग टू इवनिंग थोड़ा बहुत वॉक ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग में आधा घंटा और आधा घंटा यदि आप इवनिंग में वॉक करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, यानी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है इस टाइम पर, और एक्सरसाइज करने के साथ साथ आप घर के कुछ छोटे मोटे काम कर सकती है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा करना। बैठ के यदि आप पोछा लगाती है तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, नॉर्मल डिलीवरी में यह काफ़ी आपकी हेल्प करेगा और कम पेन में जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। साथ ही आप बैठ के कुछ बहुत कपड़े धो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के आप कपड़े भी धो सकते हैं, इससे भी आपकी एक्सरसाइज होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस दौरान आप स्ट्रेस से बचें, मानसिक तनाव आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि आप हैप्पी रहें। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने वाली महिला या काफ़ी ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस होता है, तो उन महिलाओं का या तो सी सेक्शन होता है या तो उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप मानसिक तनाव से दूर रहें और जितना हो सके आप खुश रहें, जिससे कि आपकी डिलीवरी एकदम हेल्दी हो और कम पेन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स। जैसे कि मैं एक बार और दोहरा देती हूँ, आपके शरीर में खून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। साथ ही आपकी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और दूध आपको ज़रूर लेना चाहिए, और कुछ इस तरह के ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएं जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बने, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर हो, और भी इस तरह की हरी सब्जियां, फल वगैरह ज़रूर खाएं। हर चीज़ को अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि आपको कम पेन में नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।